क्या कॉल सेंटर, कौन सी कॉल आते हैं हमें नहीं पता इस सब के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के, ऑस्ट्रेलिया की कॉल, ऑस्ट्रेलिया में डरते हैं। मैं उनको अमीर समझ रहा था, उनको ट्रैक्टर, वो तो कंगारू पे निकले बहनचो अपने। आप में से कोई बाय एनी चांस ऐसा है जो ऑफिस जाता है और उसको कैब मिली हो ऑफिस से, ऐसे कोई लकी पर्सन इन द यूनिवर्स? आपको मिली कैब, बहुत अच्छी बात है। आप जिस भी कंपनी में जाते हैं सुबह सुबह आती कैब लेने, फिर ये पता है आपको सैलरी दे रहे नहीं। जैसे मैं बताता हूँ, मैंने गुड़गांव में कंपनी ज्वाइन करी 2018 में, तो उन्होंने मुझे बड़ी तेज एचआर भागते हुए कह रही, सुनो कैब दे रही है कैब। मैं चलो ठीक है, कह रही हाँ सिर्फ कैब। मैं कहा तो पैसे, कह पैसे नहीं है मतलब। मैं तो कमाना कैसे है, कह रही ऊपर का कोई काम ढूंढ लो। मैं कहा ओए ये क्या बात है एम्प्लॉय से करने वाली। कह रही अच्छा यार तुम काम का भैं, कह रही काम करो तुम ना कैब में आगे बैठ के आ जाया करना। ये कैसा इनसाइट ऑफर है भाई। और मैंने कहा शायद आपको पता ना हो मैं शुरू से आगे ही बैठ के जा रहा हूँ, इसको मेरे अकेले बन का कोई अंदाजा नहीं। और एक तो हराम जाते सुबह 7:15 बजे लेने आ जाते थे यार, इतने ठंडे ठंडे थे, नोना बाबू बन के जाना पड़ता ऑफिस एकदम। हाँ हाँ आप रात को जैसे निशाचर के बच्चे बन के सोते हो, आप वैसे ऑफिस जाओ बिल्डिंग ढह जाए बहन चो आपको देख के। कह रही ये तो नहीं आता भाई हमारे अंदर ये तो। मैं आपको बताता हूँ, हमें अर्टिगा करके गाड़ी वो लेने आती, देखिए अर्टिगा, हाँ वो लेने आती थी। मैं उसको आपको ब्लू प्रिंट बताता हूँ उस गाड़ी का। क्या हुआ तुम ऐसे घबराए हो? मुझे लगा लेके आया अर्टिगा मैं एक बार। तो अर्टिगा करके गाड़ी लेने आती थी, मैं आपको ब्लू प्रिंट बताता हूँ गाड़ी का। यहाँ ऑफिस की तरफ से वो जो ड्राइवर आया वो बैठे ड्राइवर सीट पे, और ड्राइवर सीट के जस्ट साथ बहनचो मुझसे भी कोई अकेला आदमी यार, ये मुझे आगे नहीं बैठने दे रहा। फिर मैंने सोचा इसकी मानसिक स्थिति देख रहे हो आप, इसको ऑफिस आगे बैठ के जाना है, ये तो हिला हुआ है भाई। ये कैसी सोच है कि ऑफिस जाके तो डेथ ही होनी, थोड़ी देर सड़क देखते हुए चले जाते हैं यार, दो चार कुत्ते दिख जाएंगे मजा ही आ जाता है सुबह सुबह। और इसके पीछे वाली सीट पे तीन लोग बैठे हैं ऐसे कर, वो खुल ही नहीं रहे बिल्कुल। मैं झूठ नहीं कह रहा, इनके कंधों से कंधे इतने मिले हैं, लक्ष्य मूवी में नहीं मिले थे लोगों को। उस मूवी का जो राइटर है उसने इनको देखा, कह रहा कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते, उसने तब देखा है। और इसके पीछे वाली सीट पे तीन लोग वो ऐसे करके बैठे हुए, उसके पीछे वाली सीट पे बिल्कुल जगह नहीं है भाई साहब। मैं झूठ नहीं कह रहा, ये लोग जितने गुत्थम गुत्था होके बैठे हैं इनके नजायज संबंध बन गए हैं, इतनी पास तो नहीं बैठना बनता बिल्कुल भी, मतलब आप ही समझ लो एक की किडनी दूसरी लिवर में जाके लगी हुई। ये इतने आपस में ऐसे हो रखे हैं ना ये, कि अगर इस गाड़ी में इस टाइम पे सीएनजी भरवाओ आधी इनमें भरे, इनका प्रेशर सिलेंडर ज्यादा टाइट है, ये नहीं जगह छोड़ रहे भाई साहब बिल्कुल भी। और हम लोग ऐसे बैठ के सुबह सुबह जा रहे हैं वहां ऑफिस, गुड़गांव एंटर किए, गुड़गांव में था हमारा ऑफिस। जैसे ही गुड़गांव पहुंचे हमारे कैब वाले ने भैंसो एक BMW ठोक दी। मैं कहा चलो भाई मौत हो जाएगी अब तो। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को अमीरों का आइडिया है, जो भी अमीर सुबह 7 बजे करीब निकला हुआ है वो मर्डर करने जा रहा है। ये सुबह सुबह उठते हैं 7 बजे मर्डर करके आके 9 बजे वापस हो जाते हैं। डार्क सर्कल नहीं पड़नी चाहिए, इनका अलग सीन चल रहा है यार, इनकी प्रायोरिटीज ही अलग है लाइफ में, मैं बता रहा हूँ। तो वो जैसे ही BMW दरवाजा खुला, पैंचो उसमें 20 साल का एक लौंडा निकला। मैं कहीं तो बहुत तेज मारेगा भाई, 20 साल के लड़कों आउटकम का फर्क ही नहीं होता कि क्या, वो कह रहा बम छोड़ा दो गाड़ी बहन चुना। वो जैसे ही उतरा मैंने कहा ये भाई मार देगा, भाई मार देगा ये तो। मैं कहा एक सेकेंड बहन चो, इसका तो निशाना भी मिस नहीं होगा, ऐसे करके तो बैठे हुए हम लोग, अंधा हो तो भी हेडशॉट मारे बहन चो। मैं इतना घबरा गया, मैं कहा भाई मैं सबको सांत्वना दे रहा हूँ, मैं कहा भाई साहब हैप्पी डेथ, हैप्पी डेथ, आगे जी पूरे हो गए, हैप्पी डेथ। मैं कहा आप तो टाइम से पहले ही जा रहे हो। ये सब चल रहा है, मैंने PF का पैसा चेक करना चालू कर दिया कि कितना मिलेगा, उसमें जो अमाउंट आया 0। मैं कहा अरे वो सही में नहीं दे रही थी पैसा यार,
और वो चलते हुए आया। देखो नॉर्मल, मुझे नहीं पता आप लोगों की लड़ाई कैसे देखी होगी, बट लेकिन नॉर्मल क्या होता है कि विंडो पे जाके ऐसे नॉक करना होता है ना, ऐसे। उसने ऐसे किया तो बंद शीशे में मार देगा हमें। हमारे ड्राइवर ने घबराते हुए शीशा नीचे किया है, उसने उसको ऐसे करके बोला है, वो लौंडे ने हमारे ड्राइवर को, आपको मेरी BMW मैं कहा एक बार चेक करना, शायद किसी का कुत्ता नीचे आया गाड़ी कुछ तो हुआ है। तो वो आंसर, भाई साहब मैं बात कर रहा हूं। कहा तेरी माँ का, मैं तुझे अगर यही करना था तो वहां से कर लेता, कम से कम दहशत में तो नहीं होते हम लोग। इस हराम जाते की दहशत में 3 बंदे मर गए, वो कह रहे मारते के बाद हार्ट अटैक आया, यही मर गए बहन। और ये कैसे लैम्डे BMW वाले हैं, इंडिकेटर के दम पे लड़ने आ रहे हैं कि मैंने इंडिकेटर, बहन तेरे पास BMW है, तू ड्रेनेज से निकाल गाड़ियां। इनको BMW, मैं आपको बता, आप में से है किसी को BMW बाय चांस? मेरी ऑडियंस एक तो है, अभी इनमें से कोई नहीं गया दादर जाने का, तेरी में। वैसे ये तो कुछ नहीं, ये तो फिर भी मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, थोड़ा पैसा है, दिल्ली में खड़ो, वो कहते भाई साहब ऑटो है चलोगे? मैं नहीं, मैं क्यों जाऊँगा कहीं पे ऑटो, मेरे पास अपना है, मैं क्यों जाऊँगा। आप सब भी यही सोच रहे हो ना कि फोन बजा और ये कुछ बोला क्यों नहीं, भाई आइए अब आप और मैं मिलके देखते हैं, अब है आपकी बारी विद ये फोन वाली नारी। ये आपका भी फोन बजा था, मैं अच्छा आपको लगा मैं भूल गया, अच्छा हाँ हाँ चुटकुले तो सुना रहे हैं, हमने 8वीं पढ़ाई छोड़ दी, सही कह रहे हो। कैसे ऐसा कैसे हो गया कि 1.25 घंटा 1.5 घंटा हो गया शो चलते हुए, फोन अब जाके, मतलब नहीं वो तो ऑफकोर्स ही, फिर मैं यही अनाउंसमेंट को कोई फक नहीं दे रहा भाई साहब। वो लड़का रोज सुबह उठ के नोना बाबू बन के आता है यहाँ पे, आप समझ रहे, उसकी दो जिम्मेदारियां कि साउंड सही चले और दूसरा फोन साइलेंट कर लो, फोन साइलेंट कर लो, लोग बजा के कहते हैं ले ले। ये व्यवहार है शहर का बैच। ये आप कौन से ऑफिस जाते हो वैसे, कैब मिली हो आपको, बहुत अच्छी बात है, कौन सा ऑफिस है ये? महिंद्रा। ओ लो ट्रैक्टर दिए उन्होंने तो। भाई साहब वाला ट्रैक्टर बैठ के जा रहा है, बैंचो स्वैग ही अलग है, और वो भी इस शहर में। ये गाड़ियों के ऊपर से ट्रैक्टर निकालने हैं अपना, कह रहे जाम होगा बाकियों के लिए गाड़ में। तो महिंद्रा में आपकी क्या नाम है सर आपका? उनका क्या नाम है बढ़ती है? आपका नाम जीपे है? मुझे चुन्नी ला के दो। मैं ये कैसा नाम है? ये तो चॉइस है। जीपे नाम क्या नाम? अरे आते आते रह गया बस, ऐसे आया भाई साहब, क्या ए से शुरू हो रहा है ये पहले पढ़ सकता। हाँ अदीब रह गया है, ए डी बी अदीब, अच्छा ठीक है अब आ गया ना समझ। हाँ सही सही सही, क्या क्या मतलब होता है आपका नाम का? वन विद नॉलेज आप चेक कराए नॉलेज एक बार, क्योंकि आपका जो जीपे में अभी आया है ना कंफ्यूजन, वो काफी वार्निंग एंड अलार्मिंग है फॉर सर्कमफ्रेंस ऑफ पीपल वॉट एवर। मतलब आप महिंद्रा में क्या कर रहे हैं? मैं तो ट्रैक्टर ऐसे ही बोल दिया। कॉल सेंटर। महिंद्रा में कॉल सेंटर? महिंद्रा में भी कॉल सेंटर है? अच्छा तो वहां तो गांव खेड़ों से फोन आ रहे होंगे, ए बेटे ट्रैक्टर फंस गया हमारा, कैसे करना है इसका, बड़े वाले पहिए के तो लग गए बेटे। क्या आपको किस चीज के फोन आ रहे हैं? नहीं सबके मन में नहीं सवाल आ रहा, पहचो महिंद्रा का कॉल सेंटर कि
भैया ट्रैक्टर स्टार्ट कैसे होता है? ये उसको जितनी नॉलेज है, मैं कहता भैया चाबी से ही होता होगा. आई कम फ्रॉम अ अर्बन बैकग्राउंड, आई डोंट नो. क्या कॉल सेंटर, कौन सी कॉल आते हैं हमें नहीं पता इस सब के बारे में. ऑस्ट्रेलिया के. ऑस्ट्रेलिया के कॉल. ऑस्ट्रेलिया में ट्रैक्टर है. वो बेंच. मैं उनको अमीर समझ रहा था. उनको ट्रैक्टर, वो तो कंगारू पे निकले बेंच अपने. आप सोचो उनको ट्रैक्टर का क्या करना है यार. ट्रैक्टर भी सेम फीलिंग देता है. अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया वाले क्या पूछ रहे हैं? आप उठा रहे हो फोन? नहीं उठा रहे बहन. कई बहन चुकाल में क्या है भाई साहब, मैंने एक नहीं उठाया. रोड टुरु टुरु करता है ना, क्या करता रहा. हम उसके बाद मान ली इधर ट्रैक्टर स्टार्ट कर देते हैं. किस चीज के फोन आते हैं? ट्रैक्टर के नहीं आते. ये बड़ी हर्टिंग बात है. महिंद्रा हमारे लिए ट्रैक्टर है. ट्रू. देखा वो उसका उसका डीजल भरने का काम है पीछे. आपको नहीं पता बड़े तेज लड़के मुंबई के मुंह से डीजल भर देते हैं. किसकी कॉल है हमें बताओ बेटे. मेरा यहाँ बीपी लो हो रहा है मेरे को. ये कह रहा है बाहर टहलने दो, टहलने दो. टैक्स सपोर्ट. गाड़ियों का नहीं है भाई. गाड़ियों का नहीं. अरे नहीं वो तो आपको पता है ना. फिर नहीं बात. अभी अभी जैसे सोने में इनको नहीं पता लगा कुछ. आप दोनों साथ बैठो. नॉलेज वाला नाम है तुझे. टैक्स सपोर्ट दे रहे हो उनको. ये बता रहे हो कि कंप्यूटर ऑन ऑफ करना होता है ऐसा. हाँ उनका यही टैक्स सपोर्ट होता है अगर आप लोगों को ना पता हो. बहुत ज्यादा गधे लोग. मेरे को पता है. मैं भाई रैंडम सवाल करते हैं. कह रहे मैं फोन मिला के, मेरे एक दोस्त था उसमें फोन आया था. कह रहे कि मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है. ये सब बातें इंग्लिश में हो रही थी वैसे. ठीक हाँ. नहीं कल को मैं नहीं कर सकता देखो इतनी इंग्लिश. फिर मेरी ग्रामर गलत निकले. तुम लोग बहन चो थूके फेंको मैं. तो कह रहा मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है. तो कह रहा सर आपने रीस्टार्ट करके देखा? कह रहा मेरा रीस्टार्ट तक नहीं चल रहा. अब तो इसकी फटी. कह रहा मेरे पास एक ही स्टेप था. तो कह रहा सर आपको दिख क्या रहा है? कह रहा मैं ही दिख रहा हूँ. कह रहा मतलब? कह रहा काली स्क्रीन है. कह रहा बहुत सड़ी ऑन कर. बटन बंद करके बैठा. ऐसे लोगों को तो ना मैं बता रहा हूं कुछ ज्यादा नहीं करना. माँ बहन की मिक्स करके देनी है. भेलपुरी गालियां दो सालों को. हाजी भाई क्या हाल है? मैं कह रहा हूँ वीडियो हो गई खत्म. अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलनी आप लोगों ने. आपने करना है लाइक, आपने करना है कमेंट टू कमेंटी, और आपने ये जो नीचे लाल बटन दिया हुआ है ना उसको खाली नहीं छोड़ना. सब्सक्राइब करना है. इसका कोई पर्पस होता है बटन का. दमाल में नहीं कहता लाल बटन है दबा दो उसको. और अगर दबाया हुआ है तो दोबारा मत दबाना. अनसब्सक्राइब पता नहीं कैसे अनसब्सक्राइब नहीं करना बच्चों. लाल है तो ही दबाना है बटन आपने. और सबसे बढ़िया बात यह है कि टूर की प्लानिंग हो चुकी है नए कॉन्टेंट के साथ आपके शहरों में. थोड़े थोड़े जोक, थोड़े थोड़े क्राउड वर्क, स्टोरी टेलिंग शो, सब कुछ लेके मिल रहे हैं. पिन कमेंट में टिकट का लिंक दे रखा है, वहां से टिकट ले लो. मिलते हैं आपके शहर में आके, क्योंकि मैं आ रहा हूं आप नहीं आओगे तो ऐसे खाली खाली गैस गैस सा फील होता है. मिलते हैं शोज में. तब तक के लिए वीडियो देखते रहे, कमेंट टू कमेंट करते रहे. बहुत बहुत शुक्रिया.